सो फाइनली ध्रुवा सारजा मार्टिन मूवी का ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। बेसिकली ये ट्रेलर को मेकर्स ने फैंस लोग के लिए भाई रिलीज करा हुआ है। 1 बज के आसपास ये फिल्म का ट्रेलर ना विरेज थिएटर में भाई फैंस लोग को दिखाया गया हुआ था और फैंस लोग ट्रेलर को देखने के बाद पगला गए। वो लोग बोल रहे हैं अबे यार मतलब हम लोग तो भी लग गए हुए थे कि ट्रेलर अच्छा होगा बवाल होगा बट ये ट्रेलर तो भाई खतरनाक है। मतलब ये फिल्म का ट्रेलर इंडिया की सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रेलर में से है। जिन भी लोगों ने देखा उनका यही चीज़ कहना है कि आज से पहले इतना खतरनाक ट्रेलर को हम लोगों ने नहीं देखा हुआ था। इतना मतलब डेडली वाला एक्शन ट्रेलर हम लोगों ने नहीं देखा हुआ था। इसके कुछ एक सीन्स ना भाई तुम लोगों को ना दीवाना बना देगा। मतलब तुम लोग बोलोगे भाई ये फिल्म का डायरेक्टर साहब यार कहाँ से इस टाइप की चीजों को सोच के और स्क्रीन पे भाई ये चीजों को प्रेजेंट करा हुआ है। एक सीन है ये फिल्म का ट्रेलर में, मैं थोड़ा तुम लोग को स्पॉइलर दे देता हूँ। ये ट्रेलर का लास्ट वाला सीन मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। ध्रुवा सारजा ना भाई अपने मुंह में बिस्किट रखता है और बिस्किट ना भाई कुत्ते को खिलाता है मुंह से, सबको हाथ से बिस्किट खिलाता है ना भाई, चेंज और मुंह से खिलाता है, स्वैग से भरपूर वाला चीज है। मुझे लगता है कि शायद ये सीन ना भाई स्टार्टिंग का इंट्रो वाला ही सीन होगा ध्रुवा सारजा का, क्योंकि इस टाइप से ही सीन से मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना बिल्डअप देंगे ये लोग। और भाई तुम लोग को पता ही है कि इंसान ध्रुवा सारजा फिल्म में पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान के लंका लगा के चला आता है, मीन्स पाकिस्तान के एल लगा के चला जाता है। अक्सर तुम लोग ने क्या देखा हुआ था कि कोई भी हमारे जो इंडियन एजेंट होता है या फिर इंडिया का कोई इंसान जाता है पाकिस्तान में कोई मिशन के लिए, वो मिशन को सक्सेसफुल करके देन कट टू कट इंडिया आ जाता है। बट ये फिल्म का प्लॉट तो यही है बट प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफर है। ये इंसान मीन्स जो अपना ध्रुवा सारजा है वो तो जाता है पाकिस्तान मिशन के लिए, देन पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान की कह के एल लगाता है, बस डिफरेंस यही है। ये बच बचा के भागता नहीं है इंसान, एकदम घुस के उसके टैंकर में भाई खड़ा होके जो उसका बोनट होता है तो फायरिंग वाला उस पर पैर रख के एकदम स्वैग से भाई सिगार पी होके अच्छा तरीका से आता है। जिस तरीके से भाई एक एक सीन को जो डायरेक्टर ने शूट करा है ना, सिनेमेटोग्राफर को भाई सैल्यूट है भाई। मतलब जिस एंगल से भाई लोगों ने शॉट लिया है ना भाई, ये चीजों को अगर तुम थिएटर में देख लोगे ना ऑटोमेटिकली भाई तुम्हारे दिल से सीटी निकलेगा। मैं कहीं पेन और पेपर पे नहीं, मैं तुम लोगों को लिख के बोल सकता हूँ जिस एंगल से भाई इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर ने शूट करा हुआ है, उफ दिल जीतने वाला है मैन। और ये सीन्स पे ना जैसे ही भाई रवि वसूल का बीजीएम ऐड होता है, थिएटर ऐसे कांपने लगता है। ऐसा नहीं था कि ओवर लाउड कर रहा है, बहुत ऐसा फिल्मों का टीजर का बीजीएम ना थोड़ा लाउड हो जाता है, एक्सेस लाउड हो जाता है, जो चीजें ना भाई सीन से ना मैच नहीं कर पा रही होती। बट ये फिल्म के टीजर के साथ मैंने ऐसा फील करा हुआ था, ये लाउड बीजीएम भी ना ये टीजर के हर सीन पे ना मैच कर रही थी, एक्सेस कहीं भी नहीं हो पा रहा था। वही सेम चीजों को मेकर्स ने ट्रेलर में भी रिपीट करा हुआ है जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, और यही सेम चीजों को रिपीट इन लोगों ने फिल्म में भी करा हुआ है। कल तुम लोगों को भाई ये चीजों को तुम लोग फील कर पाओगे 5:55 पे यह फिल्म के ट्रेलर को मेकर्स रिलीज करने वाले हैं। और भाई सच में यार तुम लोग का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, तुम लोग बोलोगे यार कि चलो भाई बहुत दिनों बाद कुछ एक मासियर फिल्म हम सबको देखने को मिल रही है। हिंदी ऑडियंस भाई तुम लोग बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हो, बिकॉज जिन भी लोगों ने भी ट्रेलर को देखा है ना उनका भी यही चीजें कहना है कि हिंदी ऑडियंस लोग इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद करने वाले हैं। और खासकर जो लोग ध्रुवा सारजा को नहीं जानते तो मार्टिन मूवी के बाद ध्रुवा सारजा को लोग अब अच्छे से जानने लगेंगे, हिंदी ऑडियंस की मैं बात बता रहा हूँ। बाकी तुम लोग बताओ कितने ज्यादा एक्साइटेड हो यार ये फिल्म को ट्रेलर को देखने के लिए। और लास्टली मैं तुम लोग से यही चीजें बोलूंगा, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज मेरी जान चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना।